जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीओ एक बार फिर से अपने पास में आ जाता है और उसी के दिन उसकी फिर अवेकनिंग होती है, जिसके बाद कुछ मॉन्स्टर्स उन लोगों पर अटैक करते हैं, जिसपे फिर सीओ बहुत ही अच्छी तरीके से उन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा है। जिसके बाद वो सोचता है कि मुझे शायद सिनसोहा को बता देना चाहिए अपने पास के बारे में, और जिसके बाद फिर वो सिनसोहा को कुछ कहता है, जिसपे सिनसोहा उसे कहते कि ये क्या है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। जिसपे फिर सीओ उसे बताता है कि तुम्हारा नाम सिनसोहा है और तुम्हारी क्लास है वो थर्ड ड्रैकोनिंग ब्रीड की है। जिसपे सोहा शॉक होकर उसे बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो मेरे सामने। इसके बाद फिर सीओ जो होता है वो और भी आगे बताता है कि तुम्हारी जो एट्रीब्यूट है वो टाइप की है और तुम्हारे पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है ट्री लीफ मेथड। जो सुन करके सोहा होती है वो अचानक से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने उसकी जो डेस्टिनी विंडो है वो खुल जाती है, और फिर वो बोलती है कि मेरा तो डेस्टिनी विंडो है वो ओपन हो गया और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ चीजों को लिखा हुआ देख सकती हूँ, और हाँ मैं यहाँ पे जो एबिलिटी है वो भी ट्री लीफ मेथड करके मैं देख सकती हूँ। जिसके बाद फिर सीओ उसको बताता है क्या तुम्हें याद है कि कुछ देर पहले जो हमारे साथ एक अनाउंसमेंट हुई थी जो तुमने सुनी थी उस रूम में, वो जो अनाउंसमेंट थी तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को कुछ पावर्स मिल गई है, ऐसा बता रहा होता है सीओ। इसके बाद फिर सीओ सोचता है कि जैसा कि हम अवेकन हो चुके हैं तो अब ऐसा ना हो कि ये फिर से पहले की तरह मर जाए। अब जिस पर हम देखते हैं कि सोहा अपनी डेस्टिनी विंडो को चेक करके वही रही थी और सोच रही होती है कि मैं अभी से ही अपने आप को थोड़ा ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ। जिसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पर फैसला का यूज करके सीओ से नीचे जाने के लिए तैयार होता है। जिसपे फिर सोहा और सिन सीओ दोनों नीचे जा रहे थे, जिसपे सोहा उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो किस टाइप की है। जिसपे सीओ उसे बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि अगर तुम दूसरों से उनकी डेस्टिनी के बारे में नहीं बताओगे, और जितना हम एक दूसरे की डेस्टिनी के बारे में ना जाने उतना ही ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई तुम्हारी पावर्स और तुम्हारी वीकनिंग का फायदा उठाकर तुम पे जान लेवा हमला भी कर सकता है, और इसीलिए तुम अपने जो डेस्टिनी विंडो है उसके बारे में किसी को नहीं मत बताना। जिसपे फिर सोहा उसे ओके बोलती है। अब इसके बाद फिर सीओ सोचता है कि जो मेरी डेस्टिनी विंडो है वो पहले की तरह ही है, जैसे कि 5 साल पहले थी, उसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। इसके बाद फिर हमें सीओ की डेस्टिनी विंडो बताई जाती है, जहाँ पे उसका नाम होता है सीओ गैंगली, और उसकी क्लास होती है वो पहले ही की तरह थर्ड इंसेक्टाइल ग्रेड पे होती है। उसकी जो एक्टिविटी है वो एक फायर की होती है, इस बार ये एक की नहीं ऐड होती है। इसके बाद हमें उसकी जो एबिलिटीज होती है डेस्टिनी डिटेक्शन और डेस्टिनी स्टेलिंग दोनों के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद फिर सीओ बोलते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी डेस्टिनी विंडो में एक ही चीज है वो डिफरेंट देख पा रहा हूँ कि वो लिखा हुआ है उसकी डेस्टिनी विंडो में कि तुमने अभी तक बहुत ही ज्यादा ग्रेट अमाउंट में कर्मा को इकट्ठा कर लिया है। जिसके बाद फिर सीओ सोचता है कि ऐसा इसी वजह से हो सकता है कि मैंने अपने पिछली लाइफ में 421 पीपल्स की जो डेस्टिनी है उसको स्टील किया था, और अगर मैं चाहता हूँ कि अपने फ्यूचर को मैं चेंज करूँ तो मुझे अपनी जो पावर है डेस्टिनी स्टीलिंग उसका यूज करना होगा, बट जो मैं कर्मा है अगर मैं ज्यादा इकट्ठा कर लेता हूँ तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। जिसके बाद फिर वो बताता है कि अगर कर्मा बहुत ही ज्यादा हो सके तो इंसान के लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है, और बहुत ज्यादा जब इस तरीके का जो कर्म होता है ऐसे ही कुछ बड़े क्राइम जैसे कि मर्डर करने से ही लोगों के ऊपर में बिल्ड होती है, और या फिर मेरे स्किल का यूज करने पे जैसे कि टेस्ट स्टीलिंग है, अगर कोई बहुत ज्यादा कर्मा को बिल्डअप कर देता है तो जो है वो अपने बॉर्डर्स से बियॉन्ड चला जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये डेंजरस हो सकता है उसके लिए, उसे बहुत ही ज्यादा सफर करना हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सीढ़ी से उतर रहे थे, जिसपे सीओ थोड़ी दूर आगे चला जाता है। जिसपे फिर सिन जो होती है वो सीओ को बुलाती है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे लगता है मुझे कोई है यहाँ पे, ऐसा वो सीओ को बोल के बुला रही होती है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक जो मम्मी टाइप का बंदा होता है वो वहाँ पे रहता है, जिसके ऊपर में पूरी तरीके से पट्टियों से घिरा होता है, जैसे कि जो सिल्कवॉर्म होते हैं वो किस तरीके से सिल्कवॉर्म बनाते हैं, तो जो अपना ककून बनाते हैं उसी तरीके से एक बंदे के ऊपर ककून पूरी तरीके से चढ़ा दिया होता है। जिसपे फिर जो सिन होती है वो उसकी तरफ बात करके जाते हैं, बोलते हैं वे कि तुम वहाँ पे रुको मैं तुम्हारे लिए हार और हम तुम्हें जल्दी से बाहर निकालेंगे। इसपे फिर सीओ उसे रुकने के लिए बोल रहा होता है पीछे से, तभी हम देखते हैं कि उस ककून के पीछे से एक जो मॉन्स्टर होता है थाइसेंटिक वॉर्म वो वहाँ पे आ जाता है। जिसपे फिर सीओ अपनी नाइफ का यूज करके उसे मॉन्स्टर को बीच से मार देता है, और सीओ से बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, अगर एक से ज्यादा होते तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। जिसके बाद फिर सीओ बोलते हैं क्या यहाँ पे कोई उस ककून के अंदर भी है, ये भी जरा चेक करो। तो फिर सीओ उठता है, वो अपनी पावर का यूज करता है और बोलता है कि यही एक सबसे ईजी वे है चेक करने का, मैं चेक कर लूँ कि यहाँ पे कोई अलाइव है कि नहीं, वो भी मेरी डेस्टिनी स्टीलिंग का यूज करके। जिसके बाद अपनी एबिलिटी का यूज करके देखता है तो वहाँ पे बताता है कि उसकी जो डेस्टिनी स्टीलिंग है वो एक्टिवेट हो चुकी है, और उसने पास यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है जो कि डेड उसने फाइंड किए हैं। जिसपे फिर सीओ सोचता है कि ये बंदा जो है वो मर चुका है, और इसके पास लगता है कि कुछ अच्छा एबिलिटी भी है, और अगर यह बंदा अवेकन होकर था तो शायद ये बंदा अपने आप को बचा सकता था। इसके बाद हमने बताया था कि उस बंदे के पास जो एबिलिटी होती है वो फ्लेम मैनिपुलेशन की होती है, जो कि थर्ड इंसेक्टाइल ग्रेड की होती है, और जो फिर सीओ ने स्टील कर लिया होता है उससे। इसके बाद वो उस एबिलिटी का यूज करके अपने हाथ पर फायर लेके आता है, तभी फिर उसके पास एक पॉपअप सा होता है कि तुमने जो फ्लेम मैनिपुलेशन की एबिलिटी को ले लिया है, लेकिन जो तुम्हारे पास है इसकी पेनल्टी के रूप में जो कर्मा है वो भी ऐड हो चुका है। इसके बाद सीओ सोचता है कि इस तरीके की एबिलिटी मुझे चाहिए थी ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं। तभी वहां पे एक जोरदार आवाज होती है, जिसपे फिर सीओ उस आवाज की तरफ देखता है, और सिन जो होती है उस आवाज की तरफ जा रही होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि वहां पे और भी कुछ लोग हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहां पे जाते हैं,
एक बंदे को मिलते हैं जो कि उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उन सभी को मार रहा होता है। और वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा जाकर के फाइट करना होगा, जिसके बाद फिर वो बंदा उन लोगों से फाइट करके सभी मॉन्स्टर को मार देता है और फिर बोलता है कि यहाँ पे लगता है कुछ सर्वाइवर्स भी हैं। और फिर वो सीन और सीओ के पास में जा रहे होता है और कहता है कि तुम ऐसे कैरेक्टर जो कि मेरे साथ अलाई बनने वाले हो, जिसपे फिर सीन जो होती है वो ये सोचती है कि कैरेक्टर ये क्या बोल रहा है, जिसपे वो बंदा उनसे कहता है कि मेरा नाम डॉग कोजन है और मुझे तुमसे मिलकर के बहुत ही अच्छा हुआ और उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। उसके बाद सीओ सोचता है कि हाँ मैंने जैसा सोचा था कि इस बंदे ने भी यहीं से स्टार्ट किया था। फिर वो उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम सीओ गैंगरीम है, जिसपे फिर वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम्हारा नाम सीओ गैंगरीम है ठीक है, बट ये जो हीरोइन है उसका नाम क्या है, ऐसा वो सीन के लिए बोल रहे होता है। फिर सीन जो होती है वो बोलते हैं हीरोइन मेरा नाम जो है वो सीन सोहा है, तो मुझे सीन सोहा के तरह बुलाओ। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जो नाम है सीन सोहा और सीओ गैंगरीम बहुत ही अच्छा है, मैं इस नाम को हमेशा के लिए याद रखूंगा। अब जैसा कि हम दोनों के साथ अभी अलाई बनने वाला है तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ही जल्दी जो ये इवेंट है उसे स्टार्ट करके हमें अलाई बन जाना चाहिए। जिसपे जो सीन होती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे और किस बारे में तुम इससे बात कर रहे हो। जिसके बाद जो वो बंदा होता है वो बोलता है जिसका नाम डॉग होता है तो हम से इसे डॉग ही बुलाएंगे, तो बोलता है कि तो ऐसा ही होता है ना कि बहुत सारे जो गेम्स होते हैं वो इसी तरीके से इंट्रोड्यूस होते हैं और थोड़े थोड़े करके जो हमारे सारे मेंबर्स हैं वो तुमसे मिलते जाएंगे, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है। जिसके बाद हमें डॉग का जो डेस्टिनी विंडो बताया था जिसमें उसकी जो क्लास होती है वो थर्ड डिवाइन ग्रेड की और उसकी जो एट्रीब्यूट होती है वो गोल्ड की होती है और उसके पास एक एबिलिटी होती है जो कि प्राइमरी डिवाइन क्लास की होती है जो कि होती है ड्रीमर की, और ये जो एबिलिटी है वो तुम्हें ड्रीम और रियल में जो डिफरेंस होती है वो उसको कम कर देती है और इससे जो होती है घोस्ट एनर्जी और जो मेंटल किसी तरीके की एनर्जी इस पे काम नहीं करेगी कोई भी पावर्स, और इसे पेन रेजिस्टेंस और फियर रेजिस्टेंस जैसी पावर भी मिलेंगी जब तक कि वो सारे अटैक्स होते हैं डॉग पे की जाए जो कि प्राइमरी टेक्नोनिंग ग्रेड से नीचे हो तब तक। जिसके बाद सीओ को देखते हैं जो कि सोचता है कि ये जो डॉग गोजुन है वो जल्द ही एक बड़े सेक का लीडर बन जाएगा जो कि 5 ग्रेड सेक्स में भी आएगी, बट इसके बाद भी अगर मैं देखूं कि ये बंदा जो है वो अभी से ही कैपेबल है जब तक ये अवेकन नहीं हुआ उससे पहले ही इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर को अभी से ही हैंडल कर पाया है। जिसके बाद डॉग सीओ और सिन से कहता है कि ऐसा ठीक है क्या तुम मेरे एलाई बनकर के बॉस को डिफीट करना चाहोगे, पर क्या तुमने किसी स्ट्रॉन्ग एलाई को फाइंड कर लिया है तुम्हारे बैटल के बीच में, क्या ऐसा ही है। जिसके बाद वो सीओ से कहता है कि अवेकन जो है बहुत ही अच्छी चीज है और ऐसी वजह से हमें एलाई बनना चाहिए, वो भी मैं एलाई के सेक्रीफाइस से अवेकन हो सकता हूँ। जिसपे ये सुनकर जो सिन होती है बहुत ज्यादा सौंपे थे। जिसके बाद फिर सीओ सोचता है कि मैं जानता था कि डॉग को चुना है वो एक फेमस नोवेल राइटर है, बट ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मेंटली टाइप का बंदा दिखता है मुझे, ऐसा वो डॉग के लिए सोच रहा था। तभी उन लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई बंदा वहाँ पे मॉन्स्टर कहते हुए आ रहा होता है और उसकी मदद करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे एक बहुत ही ज्यादा जायंटसाइटिंग वॉर्म पड़ा होता है, जिसके बाद हमें उस वॉर्म के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था जिसका नाम एनॉर्मस वॉर्म होता है और वो फर्स्ट इंसेक्टल ग्रेड पे होता है, और इसके बारे में बताते हैं कि ये मॉन्स्टर बहुत सारे मल्टीपल इंसेक्ट्स को रखा हुआ है अंदर में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही बंदा जो कि सीओ और सीन के पास भाग करके आ रहा था उस पर कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर अटैक कर जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद उस पर वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो अटैक करके उसे मार देता है, जो देख करके जो सीन होती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक और डर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉग होता है वो ये देख के बोलता है कि मुझे लगता है ऐसा कि जो बॉस है वो ज्यादा ही जल्दी आ गया है और मुझे लगता है कि हम इसे डिफीट करने के बाद ही आगे जा सकते हैं। जिसके बाद फिर जो सीन होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम उस बंदे को किल करना चाहते हो, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाना चाहिए। तभी जो सीओ होता है वो अपनी पावर को एक्यूमुलेट कर रहा होता है अपने हैंड्स में, उसके बाद वो एक फायर बॉल को उस मॉन्स्टर पर दे मारता है। जिसके पे जो डॉग होता है वो उसे बोलता है कि मैजिक, मैं जानता था कि मैं तुम पे काउंट कर सकता हूँ, और फिर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या तुम उस मॉन्स्टर को मार सकते हो। जिस पे फिर सीओ बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, इस पॉइंट पे तो मैं उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता और मुझे ये सभी नहीं लगता कि हम सब मिलकर के उस मॉन्स्टर को मार सकते हैं, ऐसा सीओ डॉग से बोल रहा होता है। जिसके बाद सीओ डॉग से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए और उस पे जो है मुझे फायर से अटैक करना चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो एनॉर्मस बग होता है वो उन सभी पे अटैक कर देता है, जिसपे फिर सीओ सिन और डॉग को भागने के लिए बोल देता है और पीछे रह करके उस पे फायर से अटैक कर रहा होता है। सोचता है भागते कि मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि मेरा जो अटैक है वो इन मॉन्स्टर पे इतना ज्यादा भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे जो अटैक पावर है वो बहुत ज्यादा भी वीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग भाग रहे थे लेकिन उनके पीछे अभी भी वो मॉन्स्टर पड़ा हुआ रहता है, जिससे कि जो सीओ होता है वो इस पे बहुत ज्यादा अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से कुछ जो बिल्डिंग्स होती है उसके मलबे टूट रहे होते हैं, जो देख करके फिर जो सीन होती है वो सीओ को उसका नाम लेकर बुला रहे थे और उसे बोलते हैं कि जल्दी करो हम तुम्हारे पास जल्दी से जल्दी भाग करके आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि जो सीओ होता है वो उस मॉन्स्टर को अपनी दूसरी तरफ टिके भी जाते हैं, जो देख करके सीन उसके पास जा रही होती है लेकिन डॉग उसे पकड़ के खींच लेते हैं। शायद डॉग सीओ से बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी जल्दी जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए टाइम वाई कर रहा है, तो ये अभी बेस्ट है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। जिसपे फिर सीन डॉग से बोलते हैं कि मुझे रुको मुझे छाने दो वहाँ से। तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो सीओ के पास पहुंच जाता है और वो अपने अटैक का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जो सीन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जोश चिल्ला करके सीओ को नाम बुलाती है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सीओ को अटैक कर रहा होता है। अब ये एपिसोड यहीं पे एंड रहता है, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और क्या सीओ उस मॉन्स्टर के अटैक से बच पाएगा? तो अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को देखा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए और आगे की वीडियो को भी चेक करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।